सर, आप मैती आंदोलन के जनक हैं, इसके लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। सर, और जनजातीय उत्थान के लिए और कौन कौन से आंदोलनों की अभी आवश्यकता है, और आज इस सेमिनार के आज समापन सत्र में आप मौजूद हैं, तो यह जो नेशनल सेमिनार हुआ है, यह जनजातीय उत्थान के लिए किस प्रकार से जो है मदद पहुंचाएगा? ये बड़ा सकारात्मक ये आयोजन रहा है, और जिस तरह से ट्राइबल्स के लिए यहाँ पर लोगों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को अपने शोध पत्र के माध्यम से यहाँ पर उकेरा है, और जिस पर कि सरकार को चिंतन करना चाहिए। और विशेषकर जो हमारी जनजातियाँ हैं, इनके जो अधिकार हैं, इनके लिए हमें अभी से फिर से काम करना होगा, और इनके लिए जो सामाजिक जो समरसताएं हैं, इनको फिर से समाज से जोड़ करके इनको अधिकार दे जाने चाहिए। हालांकि सरकार बहुत सारे काम कर रही है, इनके लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, इनके बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए काम कर रही है, इनके सामाजिक के लिए काम कर रही है, लेकिन अभी भी ये पिछड़े हुए हैं, इनको अभी अपने अंदर एक हीन भावना नज़र आती है, तो इसे हमें हटाना होगा। जब तक हम इसको सामाजिक रूप से हम इन लोगों से जुड़ेंगे नहीं, इन लोगों से काम नहीं करेंगे, इन लोगों के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक हम इनको आगे नहीं ला सकते हैं। इनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है, इनको एक इनके अपने छोटे छोटे जिनके कौशल हैं, इनके जो अंदर जो क्षमताएं हैं, इनको हम करके हम वो उनको समाज तक, क्योंकि ये लोग वन जातियाँ हैं, ये वन के बारे में ज़्यादा जानते हैं। आज जहाँ पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, वहाँ इन लोगों का महत्व हमारे सामने बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये जंगल के एक एक जैव विविधता के बारे में जानते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, इनको जंगल कैसे बचाना है, क्या करना है, ये सारे इनके अंदर ये सारे जैविक जो DNA है इनके अंदर भरे पड़े हैं। तो हम अगर जब तक इनके बीच नहीं जाएंगे, इनकी कला कौशल को लुप्त होने से नहीं बचाएंगे, तब तक हम शायद अपने प्रकृति के जो लंबे अनुभव इनके पास हैं, इनसे वंचित रह जाएंगे। तो आज ज़रूरत है इनको समाज के साथ आगे ले जाने की भी, और हम जहाँ पूरी दुनिया प्रकृति को बचाने के लिए काम करने के लिए आगे आनी चाहती है, वहाँ इनके अनुभवों को हम साथ में लें। जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में प्रकृति संरक्षण के लिए इन आदिवासी जातियों के, इन जनजातियों के जो अनुभव हैं, उनको हम लें, क्योंकि ये प्रकृति के बहुत ही करीब रहे लोग हैं। ये प्रकृति के जो आभास है इनको पहले हो जाता है। अभी आपने देखा अंडमान निकोबार में जब ये सुनामी आई थी, ये लोग पहले ही भाग करके चले गए थे, इनको पता था कि क्या होने वाला है। तो ये प्रकृति को बहुत बड़े संकेत जानने वाले लोग हैं, इनके प्रकृति के सारे रहस्य इनके पास हैं, तो इनका हम ज्ञान अर्जित करें, उसका अपने योजनाओं में योग करें, और इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके बच्चों को अच्छी व्यवस्था देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, नौकरियों में इनका प्राविधान करें, और इन इसी प्रकार से हम इन जनजातियों को एक अपने समकक्ष ला करके इनकी हीन इनके अंदर जो हीन है इनको दूर कर सकते। हमारे उत्तराखंड में भी 5 जातियाँ हैं, जो ये बोक्सा है, थारू है और राजी है, ये अभी जंगलों में ही है। इनको बाहर लाने के लिए हमसे मिलने के लिए डरते हैं, तो इनके अंदर का ये डर का भाव दूर करना पड़ेगा, ताकि जाकर के ये हम लोगों से मिल सकें, अपने गहरे अनुभवों को हमें दे सकें, और उनका लाभ हम प्रकृति को बचाने में कर सकें। सर, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम कल्याण सिंह रावत है, और मैती आंदोलन का जनक हूँ, और ये हमने एक पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन उत्तराखंड से शुरू किया था, कि हम जब कभी कोई लड़की की शादी होती है, उस शादी की यादगार में एक पेड़ लगाया जाता है, तब वो लड़की विदा होती है। हम लाखों पेड़ लगाते हैं, लेकिन वो बचते नहीं हैं। जब तक हम उसको भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम पेड़ बचा नहीं सकते, और इसमें यही माँ और बेटी का